वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको देखेंगे कैसे आप लोग कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कार इंश्योरेंस कंपनी का एक वेबसाइट क्रिएट करना तो इस वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप लोग कार इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट कर सकते हो इजीली। जो थीम हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो जेनेट पेज थीम है। जेनेट पेज थीम से ही आप लोग एक सारा चीज़ें कर सकते हो और कोई भी थीम को आप लोग परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जेनेट पेज प्रीमियम थीम है तो आप लोग ये इजीली कर सकते हो। जेनेट पेज प्रीमियम थीम में गिव अवे करने वाला हूँ, अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी हम लोग आपको बना के दिखाने वाले हैं उसका डेमो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं आपको उसका डेमो भी दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है, इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर क्रिएट किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा लोगो वगैरह है, ये हमारा मेनू वगैरह है, इंश्योरेंस कार मोटर वैन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इंश्योरेंस का पॉलिसी वगैरह है। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर दिया है, यहाँ पर कार का इमेज है। तो इस तरह का डेमो है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अवार्ड में कितना अवार्ड मिला है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेटिस्फाइड कस्टमर, ये सारा चीज़ें हैं। तो इस तरह का अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो एक कंपनी, कार इंश्योरेंस कंपनी इस तरह का डेमो से, तो आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कैसे इस तरह का वेबसाइट आपको क्रिएट करना है। अबाउट स्पेस के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो अबाउट स्पेस इस तरह का है। आवर टीम के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आवर टीम किस तरह का ऑप्शन है। यहाँ पर ब्लॉग ऑप्शन में जाते हो तो इस तरह का ब्लॉग ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर इस तरह का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस तरह का वेबसाइट क्रिएट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस वेबसाइट के अंदर आते हैं और इस वेबसाइट के अंदर हमारा जेनेट पेज थीम इंस्टॉल दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये हमारा जेनेट पेज का वेबसाइट है और इसमें हम लोग ये जो डिज़ाइन हम लोग अचीव किया है इसको हम लोग कैसे बनाया है ये अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए और मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर यहाँ पर आपको सर्च करना है जेनेट पेज लिखकर। यहाँ पर अगर आप लोग जेनेट पेज लिखकर सर्च करोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग जेनेट पेज लिखकर सर्च करोगे मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर तो यहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो जेनेट पेज फ्री थीम को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं ये भी हमारा वीडियो है और यहाँ पर जेनेट पेज थीम को कस्टमाइज़ करना ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस को कैसे किया है ये सारा चीज़ें हम लोग आपको दिखाया है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो कीजिए तो आप लोग इस तरह का एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कार इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए ये जो डेमो है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक कार इंश्योरेंस कंपनी आपको सेटअप करके देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम लोग जाते हैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर हम लोग जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपायंस से आपको जाना है जेनेट पेज के अंदर। जेनेट पेज के अंदर जाने के बाद आपको मेक श्योर कीजिए यहाँ पर साइट लाइब्रेरी इसको एक्टिवेट करना, ठीक है। सो साइट लाइब्रेरी को एक्टिव करना है, एक्टिव करने के बाद यहाँ पर साइट लाइब्रेरी के अंदर जाना है। जैसे ही आप लोग साइट लाइब्रेरी के अंदर जाओगे ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डिज़ाइन को रिमूव करने का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिमूव इंपोर्ट साइट, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर रिमूव इंपोर्ट साइट में क्लिक करके ओके में क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा सारा जो सेटिंग है ये हमारा रिमूव हो जाएगा। अभी रिमूव हो चुका है, अभी हम लोग इसको अगर रिलोड करते हैं तो हमारा इस तरह का हो चुका है, सारा कुछ हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग एक कार इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर डेमो यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए साइट लाइब्रेरी के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर देख सकते हो ये सेप नाम का जो ये डेमो है इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं और इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा आपका वेबसाइट के अंदर जेनेट ब्लॉक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेक करके देखता हूँ कि जेनेट ब्लॉक प्लगइन इंस्टॉल है कि नहीं है। इंस्टॉल बटन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जेनेट ब्लॉक प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये जेनेट ब्लॉक प्लगइन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। अगर ये जेनेट ब्लॉक प्लगइन आप लोग इंस्टॉल नहीं करोगे तो इस तरह का डेमो आपका इंपोर्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपको मेक श्योर कीजिएगा जेनेट पेज ब्लॉक इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको गेट स्टार्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग गेट स्टार्ट में क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंपोर्ट थीम ऑप्शन, इंपोर्ट डेमो कंटेंट, ये सारा चीज़ें टिक मार रहेगा। उसके बाद आई अंडरस्टैंड
उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट में क्लिक कर देना तो आपका ये सारा चीज़ें इंपोर्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सारा प्लगइन हमारा एक्टिव हो रहा है और हमारा जो कंटेंट है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट होने के बाद इसका हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे अपना हिसाब से। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी कस्टमाइज़ करना है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है, कैसे सारा चीज़ें करना है। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं इंपोर्ट होने में। इंपोर्ट होने के बाद इसको हम लोग कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो कंप्लीट इंपोर्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इंपोर्ट कंप्लीट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, व्यू साइट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर व्यू साइट में हम लोग जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो डेमो है वो हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका हम लोग डिज़ाइन वगैरह करेंगे। यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वो आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो टैगलाइन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होम अबाउट अस इंश्योरेंस में कार, यहाँ पर मोटरसाइकिल, वैन, इस तरह का है। और टीम ब्लॉग यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर तो देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट स्पेस इस तरह का दिख रहा है। इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म तो इस तरह का हमारा दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा जो साइड बार है, सॉरी हमारा जो यहाँ पर देख सकते हो फुटर है वो इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन है, ये सारा चीज़ें हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो डैशबोर्ड है इसके अंदर जाते हैं। ये हमारा होम पेज का है। एबाउट अस पेज के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो एबाउट अस पेज इस तरह का है। तो सारा पेज यहाँ पर हमारा सही से आ चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग पेज के अंदर जाते हैं, यहाँ पर पेज के अंदर एबाउट अस पेज के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो इस तरह का है हमारा एबाउट अस पेज, इस तरह का है। तो इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ब्लॉग पेज है, यहाँ पर अगर जाते हैं तो हमारा यहाँ पर ब्लॉग पेज है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ब्लॉग पेज है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है इस ब्लॉग पेज का। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस तरह का ब्लॉग पेज है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेस है, इसके अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट स्पेस है। तो सारा चीज़ को हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। और यहाँ पर होम पेज है, होम पेज को भी हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जाते हैं अपीयरेंस से, हम लोग जाते हैं एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 404 कॉन्टेंट है, 404 हीरो पेज है। यहाँ पर ये सारा चीज़ें है ये हम लोग खुद ही ऐड किया है। ऑथर बॉक्स को हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग, यहाँ पर ये सारा चीज़ को हम लोग जो खुद ही ऐड किया है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रैश में डाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर बटन को हम लोग ऑथर बायो को, यहाँ पर ऑथर बॉक्स को, ऑथर बायो हम लोग नहीं दिया है, ऑथर बॉक्स को हम लोग डाला था। उसके बाद यहाँ पर फुटर ओके, हीरो इमेज पेज जीरो ओके, इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पर खुद क्रिएट किए थे उसको हम लोग डिलीट कर दिया है। और ये सारा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे ब्लॉग और आर्काइव के अंदर। यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट टाइटल, ये सारा चीज़ें, इसको हम लोग बाद में क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारा जो होम पेज है उसको हम लोग एडिट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा होम पेज ही दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए एडिट पेज के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको एडिट करते हैं। देख सकते हो ये हमारा होम पेज है, इसको हम लोग एडिट करने वाले हैं और इसको हम लोग इस तरह का करते हैं। ये हमारा होम पेज है और यहाँ पर इंश्योरेंस फॉर योर, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग हमारा जो टाइटल है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टाइटल है वो हम लोग देते हैं, तो जो टाइटल है वही है। यहाँ पर हम लोग इंश्योरेंस योर कार हम लोग देते हैं, ओके इंश्योरेंस योर कार हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद वेलकम, तो वेलकम टू हमारा जो वेबसाइट का नेम है वो हम लोग डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूनिक वेब स्कूल देते हैं, तो अपना जो वेबसाइट नाम है, आपका जो वेबसाइट का नाम है वो आप लोग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेबसाइट का नाम देते हैं हमारा यूनिक वेब स्कूल। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग लोगों को ऐड करना है तो लोगों को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाकर यहाँ पर आइकॉन में जाकर ये जो आइकॉन है इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आइकॉन देना चाहते हो वो आइकॉन आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो खुद ही चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन के अंदर एक लिंक ऐड करना। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी लिंक को ऐड कर सकते हैं। जो भी लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो लिंक यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फिलहाल के लिए हैशटैग है,
अगर बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो इजीली टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कार है उसका इमेज यहाँ पर डालना है, जो कार का इमेज यहाँ पर है वही अच्छा लग रहा है तो मैं यही रहने देता हूँ। तो आपका कार का इमेज यहाँ पर ऐड करना, तो यहाँ पर रिप्लेस इमेज में क्लिक करना, अपलोड में क्लिक करना है, तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीड हेल्प कॉल अस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइकॉन चेंज कर सकते हो, यहाँ से आइकॉन के अंदर आइकॉन चेंज कर सकते हो और नीड योर हेल्प कॉल अस इसको चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आपका नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, इस तरह का नंबर आपको ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक डामी नंबर ऐड कर दिया है, इस नंबर में कॉल मत कीजिए क्योंकि यह नंबर मेरा नहीं है, ठीक है। तो नंबर को भी ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वी कवर ऑल व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी व्हीकल्स आप लोग इंश्योरेंस करोगे वो यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कार का इमेज है, यहाँ पर देख सकते हो मोटरसाइकिल और यहाँ पर वैन का इमेज है, ठीक है। तो और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप लोग खुद ही। तो इसको अगर आप लोग डुप्लीकेट करना चाहते हो, यहाँ पर डुप्लीकेट करना चाहते हो डुप्लीकेट कीजिए और यहाँ पर आइकॉन को आप लोग चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आइकॉन चेंज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा आइकॉन आपको मिलेगा, जो भी आइकॉन आपको ऐड करना है वो आइकॉन यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो और यहाँ पर आइकॉन का जो यहाँ पर HTML कोड है वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कट करते हैं क्योंकि हम लोग और नहीं चाहते हैं, तीनों व्हीकल के लिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी टाइटल है, हाँ, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ मेरा डिस्क्रिप्शन, तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है। और इसका जो कलर है इसका आइकॉन भी चेंज कर सकते हो, आइकॉन में जाकर इसका आइकॉन चेंज कर सकते हो। इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं रख कर इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं कलर के अंदर और बैकग्राउंड कलर के अंदर जो भी कलर आप लोग अच्छा लगे वो कलर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कलर के अंदर जाकर तो जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर यहाँ पर दीजिए। तो मैं इस कलर में रखता हूँ क्योंकि ये कलर मुझे अच्छा लगा, तो आप लोग जो कलर अच्छा लगे वो कलर यहाँ पर दीजिए। उसके बाद एवर्डर्स में यहाँ पर आपका जो एवर्डर्स है वी सेव मनी ऑन योर इंश्योरेंस, इसका टाइटल आप लोग चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग टाइटल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने हिसाब से, तो ये सारा चीज़ें आप लोग दीजिए। और यहाँ पर आपका जो इमेज है वो आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कार का इमेज दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो फ्री इमेज डाउनलोड से मैं जाता हूँ यहाँ पर फ्री इमेज जो भी पिक्सेल वे के अंदर जाता हूँ, पिक्सेल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पिक्सेल वे में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक कार का इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, CAR कार। ओके, यहाँ पर बहुत सारे इमेज आ चुका है, तो जो भी इमेज हम लोग को अच्छा लगे वो इमेज हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कार का इमेज डाउनलोड करूँगा जो कि इस कार का हम लोग इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, इस इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड, ओके, डाउनलोड एडिट में क्लिक कर दिया, ओके, यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करता हूँ तो ये इमेज हमारा डाउनलोड हो चुका है। अभी हम लोग इस इमेज को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, अपलोड में क्लिक करते हैं, इस इमेज को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये इमेज हम लोगों का यहाँ पर अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग इमेज चेंज करोगे, ठीक है। देख सकते हो ये इमेज हम लोग को अच्छा लग रहा है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बटन वगैरह ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही चेंज कर लीजिए। उसके बाद एडवर्ड आपको कितना एवार्ड मिला है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, तो यहाँ पर 20 है तो हम लोग यहाँ पर 50 एवार्ड देते हैं, तो हम लोग को 50 एवार्ड मिला है। और आपका जो कस्टमर है कितने सेटिस्फाई हुआ है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि 5.6 के कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हुआ है वो हम लोग दिया है। इस तरह का आइकॉन भी चेंज कर सकते हो कस्टमर का आइकॉन, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आइकॉन में अगर जाते हैं तो आप लोग जो भी आइकॉन यहाँ पर प्लस आइकॉन हम लोग देते हैं, तो इस तरह का आइकॉन मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में प्लेस ऑफ माइंड ऑलवेज, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, यहाँ पर वैन इंश्योरेंस, ऐसा चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। कार इंश्योरेंस में आपका डिस्क्रिप्शन, लर्न मोर में ब्लॉग लिखकर आपका जो ब्लॉग का लिंक है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, आपका बाइक का लिंक यहाँ पर दे सकते हो, इस तरह का आप लोग चेंज वगैरह कर सकते हो। और इस टॉपिक के जैसे कि कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, इस तरह का टॉपिक के अंदर आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, अपना वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखकर वो आर्टिकल का लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है लर्न मोर के अंदर, ठीक है।
उसके बाद व्हाई आर्स क्यों आपको चूज करें, उसके लिए यहाँ पर आपका एक डिस्क्रिप्शन देना है क्यों आपको चूज करें, आपका एक्सपीरियंस, डिस्काउंट, सपोर्ट, ऑनलाइन सिस्टम, ये सारा चीज़ के वजह से आपको सपोर्ट करेगा, वो सारा चीज़ें आप लोग खुद ही यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, यहाँ पर इमेज को रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। लर्न मोर बटन में और भी ऑप्शन अगर है तो उस पेज का लिंक आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आवर टीम, तो आपका टीम यहाँ पर दे सकते हो। अवार्ड विनिंग टीम, तो आपका टीम का यहाँ पर इमेज दे सकते हो, आपका प्रोफाइल इमेज, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद यहाँ पर पोजीशन जैसे कि सीईओ, उसके बाद यहाँ पर आपका सीएफओ, उसके बाद मैनेजर, और भी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो, उसका सोशल मीडिया लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो इमेज देकर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, आप लोग खुद ही चेंज कर सकते हो, जैसे कि इमेज के अंदर जाकर इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका पोजीशन वगैरह खुद ही ऐड कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर खुद ही ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो कस्टमर है उसका थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पर शेयर कीजिएगा, जैसे कि इस तरह का शेयर कर दिया है यहाँ पर, आपका जो कस्टमर है उसका अच्छी बातें यहाँ पर लिख दीजिएगा, और वो जो बात है कौन सा कस्टमर लिखा है उसका इमेज समेत यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का दीजिएगा, सेम इमेज है तो आप लोग इमेज यहाँ पर रिप्लेस में क्लिक करके आप लोग कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो और यहाँ पर रिव्यू वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें हैं। और यहाँ पर आवर न्यूज़ के अंदर आपका जो लेटेस्ट ब्लॉग है वो आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो लेटेस्ट ब्लॉग है वो यहाँ पर आ चुका है, तो आप लोग इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो नेम है ऑथर नेम है वो हम लोग को नहीं चाहिए तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डेट भी नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो हमारा ये सारा चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा डेट और यहाँ पर हमारा जो ऑथर है वो रिमूव हो चुका है, जस्ट यहाँ पर टाइटल, इमेज और यहाँ पर कुछ आर्टिकल वगैरह है और उसके बाद रीड मोर बटन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गेट टास्क, गेट योर फ्री क्वेरी, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट अस पेज है उसका यहाँ पर शॉर्टकट आप लोग ऐड कर सकते हो। कैसे शॉर्टकट ऐड करना है अभी हम लोग आपको दिखाएंगे बाद में। तो इसको अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपका जो इमेज है वो आप लोग आपका इमेज यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपडेट में क्लिक कीजिए तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद अगर आप लोग आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर रिलोड करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी हम लोग चेंजेस किए थे वो सारा चेंजेस यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट का स्पेस हम लोगों को ऐड करना है, तो इसलिए हम लोग कॉन्टैक्ट का जो प्लगइन है उसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो प्लगइन के अंदर जाते हैं और हम लोग कॉन्टैक्ट का प्लगइन को हम लोग यहाँ पर एक्टिव करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऐड न्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट का स्पेस को इंस्टॉल करते हैं प्लगइन को। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव कर लेंगे, एक्टिव करने के बाद इसका जो शॉर्टकट है वो हम लोग डालेंगे, यहाँ पर एक्टिव में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग सेटिंग में जाते हैं और इसका जो शॉर्टकट है वो हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो आप अगर चाहते हो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का स्पेस खुद क्रिएट करना तो क्रिएट कर सकते हो। अभी हम लोग जो कॉन्टैक्ट का स्पेस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है उसको शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर कॉपी किए हैं और यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो शॉर्टकट है वो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह का। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट में क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और यहाँ पर ऑप्शन देकर यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह का सेटिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो हेडर है उसका सेटिंग करने वाले हैं। अगर हम लोग पेज के अंदर इसको कस्टमाइज कर दिया है हमारा होम पेज को, तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एलिमेंट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 40 पेज हीरो, ओके, फुटर, हेडर, इमेज, तो यहाँ पर हेडर के अंदर जाना है आपको। ठीक है, हेडर के अंदर जाके आप लोग हेडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हेडर में इस तरह का ऑप्शन है, तो फुल विड्थ, ओके, ये सारा चीज़ें हैं तो खुद ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हेडर में लोगो वगैरह ऐड करने के लिए यहाँ पर अपीयरेंस से कस्टमाइज के अंदर जाते हैं। ठीक है, कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर साइट आइडेंटिटी में यहाँ पर आपके लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा लोगो है, इसको आप लोग यहाँ पर चेंज लोगो में क्लिक करके अपना लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
तो मैं लोगों को चेंज नहीं करूँगा, जो लोगों हैं वही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आपको डेमो के लिए बताता हूँ, तो आपको खुद ही यहाँ पर इसको लोगों को चेंज करना है, ठीक है। अगर आप लोग साइट टाइटल को हाइड करना चाहते हो या पर टैगलाइन को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर हाइड में क्लिक कर दीजिए। तो मैं कुछ भी हाइड नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए इस तरह का रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका फेव आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोग लेआउट में जाते हो तो यहाँ पर लेआउट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेड थे वही रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कस्टमाइज़ वगैरह मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारा जो साइड है वो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर और भी कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। मेनू वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हो मेनू ऑप्शन में जाकर, ठीक है। तो इस तरह का है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा यहाँ पर कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं और यहाँ पर हम लोग जाते हैं अपीयरेंस से। यहाँ पर हम लोग एलिमेंट के अंदर जाते हैं, हम लोग फुटर को ऐड करते हैं, फुटर को एडिट करते हैं। फुटर हमारा ए है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये हमारा फुटर है। तो इस तरह का फुटर ऐड किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का फुटर है। कस्टमर सर्विस के अंदर यहाँ पर आपका नंबर देना है, आपका मैसेज देने की, आपका ईमेल देना है, और यहाँ पर आपका जो भी सोशल मीडिया लिंक है ये सारा चीज़ें देना है। और यहाँ पर आपका इंश्योरेंस के लिए कार, मोटर, वैन, ये सारा चीज़ें आपको ऐड करना है, आपका लोगो वगैरह ऐड करना है। यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट मेथड वगैरह है वो सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ईआर है और यहाँ पर सेव हुई, यहाँ पर आपका आपका वेबसाइट का नेम यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डालते हैं यूनिक वेब स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाल दिए यूनिक वेब स्कूल, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है यूनिक वेब स्कूल, ये फुटर में दिखेगा। तो इस तरह का आपको फुटर को यहाँ पर कस्टमाइज़ करके यहाँ पर अपडेट कर देना है, ठीक है, ताकि आपका जो फुटर है वो सही से ये सारा चीज़ें हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पर इसको कट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर आप लोग ऑथर बायो के अंदर अगर जब आप लोग जाते हो तो यहाँ पर ऑथर बायो के अंदर यहाँ पर देख सकते हो आपका जो बायो है वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी बायो वगैरह है वो आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर 40 कंटेंट के अंदर, तो 40 कंटेंट कैसे दिखेगा, इस तरह का 40 पेज आप लोग दिखेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का 40 आपको पेज दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का 40 पेज आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लॉग आर्काइव और यहाँ पर फ्लोटिंग शेयरिंग, ये सारा चीज़ें हैं। और यहाँ पर फुटर तो हम लोग आपको दिखाया है, हीरो पेज हीरो, पेज जीरो आप लोग ऐड कर सकते हो। इसको एडिट में अगर आप लोग क्लिक करोगे तो पेज जीरो इस तरह का है, इसके इमेज वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हो, पेज का टाइटल, इस तरह का नंबर वगैरह आप लोग खुद ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं सिंगल पोस्ट मेटा, तो यहाँ पर सिंगल पोस्ट के मेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें देखेगा, यहाँ पर जैसे कि पोस्ट ऑथर नेम और पोस्ट डेट नेम, इसमें अगर और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप लोग खुद ही ये सारा चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसके बाद भी हम लोग यहाँ से बैक जाते हैं, ये सारा चीज़ें हैं। और पेज के अंदर जाते हैं, पेज के अंदर जाने के बाद एवर्ड स्पेस को एडिट मोड में क्लिक कीजिए, ठीक है। एडिट मोड में क्लिक करके आपका एवर्ड स्पेस यहाँ पर आपके बारे में कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एवर्ड स्पेस दूसरा है, तो इसको हम लोग खुद ही क्रिएट किया है और ये हम लोग इम्पोर्ट में क्लिक किया है, ठीक है। तो एवर्ड स्पेस के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके बारे में लिखना है, यहाँ पर लिंक वगैरह ऐड करना है, आपका मिशन वगैरह, यहाँ पर सारा चीज़ आपको एडिट वगैरह करना है। होम पेज को हम लोग जैसे आपको एडिट करके दिखाया है उस तरीके से आप लोगों को एडिट करना है। सारा चीज़ें अगर मैं आपको दिखाते लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग ये सारा चीज़ें खुद ही कर लीजिएगा। इसको कट करते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट स्पेस को एडिट कीजिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्पेस को अगर हम लोग जाते हैं तो कॉन्टैक्ट स्पेस को भी आप लोग इस तरह के एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होम पेज को एडिट कीजिए, यहाँ पर अगर होम पेज को हम लोग एडिट करके दिखाया है, इंश्योरेंस के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो इंश्योरेंस पेज को आप लोगों को एडिट करना है, अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है उस तरह का इंश्योरेंस यहाँ पर देना है, आपका जो कार का इंश्योरेंस कितने वगैरह आप लोग डॉलर यहाँ पर लोगे वो सारा चीज़ें आप लोग ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो टीम है उसका डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आप लोग फिलअप कर सकते हो, यहाँ पर आवर टीम के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी सेफ्टी गाइड के अंदर आप लोग सेफ्टी गाइड ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग आपका जो इंश्योरेंस वेबसाइट है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी है। और यहाँ पर मेनू ऐड करने के लिए यहाँ पर अपीयरेंस से आप लोगों को मेनू ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग मेन मेनू के अंदर अगर जाते हैं
तो ये हमारा मेन मेनू है, तो यहाँ पर मेनू ऐड भी कर सकते हो, मेनू डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग एक इंश्योरेंस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारा साथ बने रहिए।